स्टार्ट करते हैं नए वीडियो। 18 फीट बाई 32 फीट, 576 स्क्वायर फीट हाउस प्लान, 2 BHK हाउस प्लान, जिसका बिल्डर बढ़िया है। इस तरफ 18 फीट और इस तरफ 32 फीट। तो यहीं पे 2 बेडरूम मिलेगा, डाइनिंग हॉल, स्टेयरकेस, सारी चीज़ें यहीं पे प्रोवाइड किया। तो इसका यहीं पे जो वॉल है, वॉल हम ड्रा कर लेते हैं। तो यहीं पे आउटसाइड का वॉल 9 इंच का प्रोवाइड किया, और इनसाइड का 5 इंच का वॉल है। तो पहले जो हमारा वॉल है, वॉल यहीं पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहीं पे ये बेडरूम के साथ देखिए, यहीं पे बालकनी भी प्रोवाइड किया। तो इस तरफ इस टाइप का आपको वॉल आएगा। इस तरफ यहीं पे विंडो के लिए जगह छोड़ देते हैं। यहीं पे स्टेयर हॉल है, और ये इनसाइड का वाला यहीं पे किचन प्रोवाइड किया। किचन दोस्तों यहीं पे ओपन किचन रखा है, स्पेस बहुत ही कम है, तो इसके लिए ओपन किचन यहीं पे रखा है, तो आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। तो यहीं पे वॉल रेडी हो गया। तो यहीं पे किधर किधर विंडो आएगा वो मैंने मार्क कर देते हैं। देखिए यहीं पे, देखिए यहीं पे, यहीं पे विंडो आएगा, यहीं पे वेंटिलेशन आएगा बाथरूम का, टॉयलेट का, और बेडरूम का विंडो इस तरफ है, इस तरफ एक है, यहीं पे एक है किचन का विंडो, यहीं पे बेडरूम का विंडो इस तरफ है। इस तरफ 2 विंडो लगाया बेडरूम में। तो यहीं पे जो बालकनी है, बालकनी का इस तरफ रेलिंग आएगा, तो रेलिंग को मैंने इस तरफ हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो यहीं पे रेलिंग आएगा, तो इस तरफ का रेलिंग आ जाएगा। तो यहीं पे देखिए एंट्री जो है, इस तरफ एंट्री होगा, यहीं पे मेन डोर रहेगा 4 फीट बाई 7 फीट का मेन डोर है। स्टेयर जो है, देखिए यहीं पे स्टेयर है, स्टेयर का आप इस तरफ रहेगा, तो इस तरफ घूम के इस तरफ फर्स्ट फ्लोर में डाउन है, तो इस तरफ स्टेयर केस का नीचे गैप रहेगा, वही गैप में आपको रूम के अंदर एंट्री हो जाएगा। तो इस तरफ देखिए जो लैंडिंग है, इस तरफ 6 फीट है और इस तरफ 3 फीट है। स्टेयर का जो विड्थ है, देखिए यहीं पे लेंथ इस तरफ है, ये इधर का भी 3 फीट इस तरफ रहेगा। उसके बाद हम यहीं पे लिविंग कम डाइनिंग हॉल में आएंगे, और लेफ्ट में एक बेडरूम आपको मिल जाएगा। यहीं पे बेडरूम है, और बेडरूम का इस तरफ यहीं पे बालकनी, यहीं पे बालकनी मिल जाएगा, और यहीं पे किचन है, यहीं पे किचन है, यहीं पे आर्च बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा। तो लुक जो है डाइनिंग का और किचन का बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। और यहीं पे लैट्रिन कम बाथ यहीं पे प्रोवाइड किया, टॉयलेट, टॉयलेट है, और इस तरफ एक और बेडरूम है।
पे एक और बेडरूम है, ठीक है। तो इसका जो मेज़रमेंट है, मेज़रमेंट जो बालकनी का मेज़रमेंट है, देखिए इस तरफ 3 फीट विड्थ है और 10 फीट लेंथ रहेगा, और ये बेडरूम का इस तरफ 9 फीट और इस तरफ 10 फीट। तो 9 फीट बाई 10 फीट का ये बेडरूम है, और किचन का जो साइज है इधर से इतना दूर तक 4 फीट और इस तरफ 9 फीट। डाइनिंग हॉल का इधर से एस्टियर तक मिल जाएगा आपको 15 फीट और इधर से किचन का ये वॉल तक 12 फीट 1 इंच इस तरह मिलेगा। और ये बेडरूम 10 फीट बाई 9 फीट 1 इंच इस तरह आएगा, और टॉयलेट का इस तरह 5 फीट और इस तरफ 6 फीट 1 इंच इस तरफ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेज़रमेंट का डिटेल्स। तो यहीं पे देखिए इस तरफ वेंटिलेशन है, ये विंडो W1 रख दे रहा हूँ बेडरूम का, किचन का W2, इसका भी W1, इसका भी W1, इसका भी W1, ठीक है। तो W1 का जो साइज है 5 फीट बाई 4 फीट है, और W2 3 फीट बाई 3 फीट रहेगा, ठीक है। तो यहीं पे इस तरफ का ड्राइंग आपको मिलेगा। तो यहीं पे देखिए जो कॉलम पोजीशन है, कॉलम पोजीशन भी हम शेयर करेंगे। तो इसके लिए यहीं पे रेड मार्क कर देंगे। तो यहीं पे एक कॉर्नर पे यहीं पे डाल दीजिए, इसका यहीं पे इसका इस तरफ यहीं पे आएगा। तो ये रेड डॉटेड के अंदर आपको कॉलम पॉइंट करना है, 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहीं पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर ऑफ कॉलम ट्वेल्व, साइज 9 इंच बाई 9 इंच का आएगा। अगर आपका आउटसाइड का वॉल 10 इंच है तो 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम आप अवॉइड कर दीजिए। और इस ये बिल्डिंग बनाने में जो खर्च आएगा आपको, जितना बिल्डिंग कॉस्ट आएगा, बिल्डिंग कॉस्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 7 लाख खर्च आएगा ग्राउंड फ्लोर में टोटल फिनिशिंग के साथ। तो देखिए यहीं पे बेडरूम का बेड, देखिए इस तरफ ये बेडरूम का बेड है, और ये मैट्रेस है। यहीं पे भी देखिए बेड है, बेड का पोजीशन इस टाइप का रखा है इस तरफ से, और यहीं पे लैंप पोस्ट है, दो टेबल है। और बेडरूम का जो डोर है 3 फीट बाई 7 फीट है, और टॉयलेट का 2.5 फीट बाई 7 फीट डोरी पे पॉइंट करना है। ख़त्म करते हैं यहीं पे दोस्तों वीडियो को। थैंक यू।